केंद्रीय मंत्री और शाहजहांपुर की सांसद कृष्णा राज का टिकट काटे जाने से नाराज आज हजारों कार्यकर्ता अचानक उनके आवास पर जमा हो गए, जहां उन्होंने भारी हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। सैकड़ों कार्यकर्ता मंत्री का घर घेरे हुए हैं। दरअसल भाजपा ने कृष्णा राज का टिकट काट कर अरुण सागर को दे दिया था। टिकट काटे जाने के बाद अपना टिकट बचाने के लिए कृष्णा राज दिल्ली चली गई थीं, लेकिन आज उनके दिल्ली से वापस आने की सूचना फैलते ही हजारों समर्थक उनके आवास पर जमा हो गए। कृष्णा राज की गैर मौजूदगी में समर्थक हंगामा कर रहे हैं और उन्होंने रोड जाम कर दी, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। में पूरे जिले के कार्यकर्ताओं में आग लगी हुई है। कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके कृष्णा राज जी का टिकट कटाया है। आधार बताया जाए, जो केंद्र का नेतृत्व है उसका सारा फैसला सिरोधार्य है, लेकिन उसका आधार जानना जरूरी है। कृष्णा राज का विकास की गंगा बहाई, कृष्णा राज जी ने 100% उपस्थिति है पार्लियामेंट में। कृष्णा राज जी कार्यकर्ताओं के दिल की जान है। कृष्णा राज हर कार्यकर्ता को इज्जत के साथ बैठाना उन्होंने सिखाया। कोई किसी प्रकार की ईमानदारी की पराकाष्ठा तक कोई आक्षेप उनके ऊपर आज तक शाहजहांपुर में नहीं लगा। आक्रोश आप देख लीजिए, चंद सैलाब को आप देखिए, 5,000 लोग खड़े हैं, 5,000 लोग यहाँ खड़े हैं और अभी तक कृष्णा राज उनको धमकाती रही। कृष्णा राज जी ने कहा कि कोई आंदोलन नहीं करोगे, हम बात दिल्ली तक पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली बात ऐसे नहीं जाएगी। अगर अरुण सागर तिलक तराजू और तलवार उनकी मानसिकता है, हम उस मानसिकता को भाजपा में पलने नहीं देंगे। हम ऐसा कृष्णा राज जी जैसा सोने जैसी हीरा जैसी कृष्णा राज को टिकट काटने का आधार बताया जाए। अरुण सागर का टिकट नहीं कटता है तो क्या कुछ करेंगे? फैसला जनता करेगी। हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम केवल दिल्ली तक बात पहुँचाएंगे, उसके बाद जनता उस पर फैसला करेगी। इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हमारी कृष्णा राज जी से कोई बात नहीं, हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आप कहीं कुछ करेंगे नहीं। अभी तक डांटती रही हमको, लेकिन अब आक्रोश और अब वादा मेरा जो मन है वो उनसे जवाब।